ये रंग अच्छा है ना, यही चढ़ाओ उनपे। तो कथा सुनो फिर आगे सुना दो, सुनो और आगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाबा दोनों ही काम करते हैं, गायन भी और श्रवण भी। जिनके श्रवणों में शक्ति कम होती है वो भगवान की कथा नहीं सुन सकता। पावर कहते हैं ना, आप में ताकत नहीं होगी तो आप कोई वजन नहीं उठा सकते, आप बड़ा स्ट्रांग काम नहीं कर सकते, और जब आप में ताकत होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। श्रवणों में भी शक्ति होनी चाहिए, तभी तुम भगवान की कथा नहीं कथा सुन पाओगे। अगर तुम्हारे श्रवणों में शक्ति नहीं है सुनने की, तो तुम भगवान की कथा नहीं सुन सकते। तुम्हारे श्रवण विषयी हैं या यश या रसपान करने के इच्छुक हैं? जो रसपान करने के इच्छुक है वो भगवान की कथा सुनते हैं, और जो श्रवण विषयी होते हैं वो भगवान की कथा नहीं सुनते, वो कुछ और सुनते हैं। तो बाबा कथा सुना रहे, बाबा कथा सुना रहे थे, माँ पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई। अब ये कथा तो आप सबने कई बार सुनी है, पर फिर भी मैं इसको थोड़ा सा सुना रहा हूं, तो ध्यान से सुने। पार्वती माँ सो गई, बजे जिनके पाप होते हैं वो भगवान की कथा पूरी नहीं सुन सकते। हमारे सनातन धर्म में एक प्रचलन चल रहा है, भागवत जब होती है ना तो अधिकांश लोग का बात है बोले कृष्ण जन्म वाले दिन, और फिर बोले रुक्मणी विवाह वाले दिन, फिर बोले आखिरी वाले दिन। अरे यहां क्यों आते हो हमें बता दो, ये तीनों चीज हम तुम्हारे घर ही पहुंचा दें। कथा का सच्चा रसिक श्रोता कौन है? भगवान की कथा हर एक कथा उत्सव है, हर एक दिन उत्सव है। भगवान की कथा हमें क्या सिखाती है, हमें क्या देती है, ये तो जब तुम अपना टाइम दोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा ना। यहां ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा कि भगवान की कथा हमें क्या बता रही है, क्या सिखा रही है? इसके लिए जरूरी है कि आप यहां टाइम दें। मां पार्वती सो गई, कहते हैं जिनके पाप होते हैं वो उनको कथा में नींद आ जाती है, जिनके पाप हो उन्हें कथा में नींद आती है, थोड़े कम पाप हो वो बतियाते रहते हैं एक दूसरे से। आ तो जाते हैं, पूरे 3 घंटे बैठते भी हैं, पर फिर भी बतियाना वो बंद नहीं कर सकते। मारो सावरिया सरकार ना 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 है ना, बस इतना ही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं हम, जिनके थोड़े पाप कम होते हैं वो कथा में बतियाते रहते एक दूसरे से, और जिनके पापों की बहुत बड़ी कृपा होती है वो बोले वो आखिर उठ के चले जाते हैं। बोले क्यों, बोले कथा में तो मन नहीं लग रहा, आज पता नहीं पंडित जी क्या कर रहे हैं, पंडित जी अंत्येष्टि कर रहे हैं, करवा नहीं, कथा में मन नहीं लग रहा। अरे भाई डोंट वरी, टेंशन मत लो। अब कह रहे हो महाराज जी अंत्येष्टि, अंत्येष्टि कब होती है, व्यक्ति के मरने के बाद तभी होती है ना। सच मानिए वो इंसान मरे हुए के बराबर ही है जिनका मन भगवान की कथा में न लगे, और जो सत्कर्म न कर सके वो जिंदे ही कब थे जो अंत्येष्टि करने की जरूरत पड़ी। उनको जिंदा मत समझिए, जो भगवान को सत्कर्मों को टाइम न दे सके, कथाओं में न जा सके, अपना कल्याण न कर सके, वो तो जीते जी मरे हुए के बराबर है। तुलसी वे नर मर गए, जिन्हें हरि की कथा न सुहाए वो मर गए, जिन्हें भगवान की कथा नहीं सुहाती वो जिंदे कब है। तुलसीदास बाबा ने इसको प्रमाणित भी किया है, रामायण में कहा है बाबा ने, जिनको भगवान, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है वो कौन है, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सो प्राणी।
जो जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो जिंदे भी मरे के बराबर ही है, सबके समान है, मुर्दे के बराबर है। अब मुर्दा होगा तो अंत्येष्टि होगी नहीं होगी? अब बोलो कब करवानी? और जो भक्ति करते हैं उनकी कभी अंत्येष्टि नहीं होती। लोग उनको जाने के बाद भी हजारों 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 हजारों, प्रहलाद कब हुए थे कोई डेट नहीं बता सकता, ध्रुव कब हुए थे कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकता, बता सकता है, लेकिन आज भी उनकी कथाओं का गायन होता है। विभीषण कब हुए थे उनकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, फिर भी उनकी कथाओं का गायन होता है। हनुमान की डेट ऑफ बर्थ कौन बता सकता है? हनुमान वो आती है ना, क्या बोलते हैं, हनुमान जयंती, वो एक उत्सव है, रामनवमी एक हम लोग मालूम है, लेकिन कौन से सन में कौन से कब ये थोड़ी पता, हम बता सकते, कोई नहीं बता सकता। और कोई बहुत ज्यादा कोशिश करे तो एक अलग विषय है। मेरे को कोई बता तो 2 करोड़ साल पूर्व श्री राम का प्रकट हुआ, 2 करोड़ वर्ष पूर्व। अब सच के झूठ वो जाने, उनकी सुनी हुई बातों से भी लगता है कि कितने सालों साल गुजर गए हैं, ये छोटी बात तो नहीं। तो मेरे भाई बहन, जीवित सब समान सो प्राणी, कौन जो भगवान की कथा नहीं सुनते। अब पार्वती जी को नींद आ गई। अब बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं, हे देवकीनंदन जी बताइए जरा, ये पार्वती जी ने कौन सा पाप किया था जिनकी वजह से कथा नहीं सुनी, आप लोगों ने कथा नहीं सुनी? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभ गए कुंभज ऋषि पाही, शंभ गए कुंभज ऋषि पाही। ताली कहाँ है आपकी? आप थोड़ा स्लो करिए, कहां से आ गया दम? हाल से कहीं गए संग सती जग जननी अखिलेश्वर जानी, मुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, कछु दिन बोले बाबा क्या करने गए? कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। भगवान श्री राम की कथाओं का गायन कुंभज ऋषि कर रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहे? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, वेरे जय पार्वती, वेर जय सती, सती जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? सती जी का मन नहीं लग रहा है कथा में, और जब आप बेमन के कथा सुनते हो ना तो शंका पैदा होती है। आधी कथा सुनते हो आधी नहीं सुनते हो, आधा प्रसंग सुन पाते हो आधा नहीं सुन पाते हो, झट संदेह हो जाता है, और संदेह कहीं ना कहीं हमसे पाप करा बैठता है। सती
जी ने पूरे मन से कथा नहीं सुनी, सिर्फ बाबा ने सुनी। महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, हो चले चले भवन संग दच कुमारी, चले भवन संग दच कुमारी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा, जान ले ओ जो जान निहारा। मुझे बहुत दिन हो गए राम कथा कहने का सौभाग्य नहीं मिला, पता नहीं क्यों आपको मेरे मुख से राम कथा पसंद नहीं है, नहीं ना पसंद आपको? सो बात, अब तो यहाँ बैठे हो, अब तुम क्या कर सकते हो, मेरा मैं राम कथा सुनाऊं या भागवत, अब तो तुम्हें वही सुनना पड़ेगा जो मैं सुनाऊंगा, हाँ या ना, जवाब दीजिए। अब सुन बेटा राम कथा, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, ओ कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी है। बाबा भोलेनाथ सती के साथ में गए कुंभज ऋषि के पास, वहां कथा प्रारंभ हुई। सती ने मन लगाकर कथा नहीं सुनी, लेकिन बाबा ने सुनी। महेश परम सुख मानी, परम सुख, सुख महासुख और परम सुख, परम स्थिति जो है वो लिमिट में, लिमिट क्रॉस कर जाती है, परम गति है ना। बाबा ने परम सुख मानी, परम स्थिति के साथ उस आनंद की पराकाष्ठा को क्रॉस कर कर उन्होंने जाके भगवान की कथा सुनी, लेकिन सती ने नहीं सुनी। और वापस जब आए तो राम जी जब बाबा को मिले तो बाबा ने प्रणाम किया, सती पूछ रही हूं हु इज दिस, ये कौन है? बाबा बोले ये वही है जिनकी कथा अभी अभी सुन के आ रहे। संदेह हुआ ये कैसा भगवान है कि स्त्री के लिए रो रहे हैं। अरे पत्नी, अगर इनकी पहली बात तो भगवान की पत्नी को हरण कर कौन सकता है, और कर भी लिया तो इन्हें पता होगा कहां है, और नहीं पता तो इसका मतलब ये भगवान नहीं है, संदेह हो गया। बाबा ने समझाया, हे देवी सुनो, मेरे प्रभु ना मानव लीला कर रहे, तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन नहीं आई बात समझ में। देवी एक बात कहूं कि रहने दू, जब पति कोई बात समझाए ना तो कोशिश करना समझने की।
नहीं समझोगी ना तो समझ लेना कि कुछ दिन सब्जी में नमक कम होगा या ज्यादा, क्योंकि जब बात कुछ गड़बड़ होगी, पति समझावे और पत्नी की समझ में ना आवे, या सासू समझावे बहू की समझ में ना आवे, या बहू समझावे ससुर जी थोड़ा दिखावे रुबाव, तो समझना कि अब भोजन में कुछ न कुछ तकलीफ होने वाली है। बाबा समझाए, सती की समझ में नहीं आई, बाबा ने कह दिया जाओ के परीक्षा ले लो, कई अपराध हो गए सती से, एक दो नहीं। पहला अपराध भगवान की कथा मन से न सुनना, दूसरा अपराध बाबा भोलेनाथ के वचनों पर यकीन न करना, और तीसरा सबसे बड़ा अपराध राम के ऊपर संदेह करना, और संदेह के बाद भी राम की परीक्षा लेना। This can be your next meal. Get up to 60% off and free delivery on Zomato. वो भी सीता का रूप धारण करके। बाबा भोलेनाथ ने सोच लिया था, मोरे उ कहे न संशय जाई, विद विपरीत भलाई नाई। जब बड़े समझावे और तुम्हें समझ में ना आवे, तो एक बात निश्चित समझ लेना कि अब तुम्हारा विकास नहीं विनाश होगा। जब तुम्हें धर्म की बात समझ में ना आए, अधर्म की बात समझ में आ जाए, तो समझना विनाश निश्चित है। विकास नहीं हो सकता, विनाश होगा। इसलिए जो कथाएं या हमारे घर के बुजुर्ग या जो भी बोलते हैं ना, ये सब बहुत बड़ी बातें होती है, इनको समझना उतना ही मन से समझना चाहिए। वो अपराध बन गया जिसकी वजह से जन्म में भी बाबा कथा सुना तो रहे, लेकिन पार्वती जी को नींद आ गई बीच में। जो बीच में उठे ना, जो बीच में सो जाए या बीच में जो बात करे, तो समझना पूर्व जन्मों को ही पाप का प्रभाव है, जिसका न मन कथा में लगता है न बताने से रुकता है, और अंत में कहता है चलो घर में चल के आराम करेंगे। अरे बाबरे, जिसके जीवन में राम नहीं उसके जीवन में आराम नहीं है, जिसके जीवन में राम आराम उन्हीं के जीवन में है जिनके जीवन में राम है। और देखो गजब की बात, पार्वती ने पूरी कथा नहीं सुनी, सुख ने पूरी कथा सुन ली। सुख कौन है? पक्षी। वो पूरी कथा सुन गया। बोलो मानव अच्छे कि पक्षी? कई मानव तो ड्रामा करते नौटंकी कहीं के आजकल लोग कथाओं में नहीं आते। अरे देखो आते क्यों नहीं, देखो पीछे तक। वो नहीं आते जिन्होंने अपने चरित्र का नाश कर लिया है, वो नहीं आते जिन्होंने अपने विचारों का विनाश कर लिया है। कथा में वो जरूर आते हैं जो अपने चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, अपने विचारों का निर्माण करना चाहते हैं, वो कथा में आते हैं। अब कैसे मान ले आते हैं? अरे हम बताते हैं कहां से आए हैं। यहां लोग दिल्ली से आए, अग्रवाल जी हैं, सिंह साहब बड़ौदा से आए, एक हमारे बाल गोपाल हमारे मथुरा से आए हैं। बाल गोपाल नहीं, बड़े हैं और ब्रजवासी होके कह रहे थे मेरे को कल रात मिलने आए। क्या बोले पता है? ठाकुर जी अब दिल को चैन ना मिले, अब तो मन जो करे झट कथा में पहुंच जाऊं। मथुरा से आए जी, मई मेरे बगल के रहवारे, अहमदाबाद आ गए। चुगले में बहन जी जहां मार मिली हुआ और कथा सुनूंगा जब तक ज्यादा चकाचक। क्या है ये नशा है? जैसे पीने वाला बिना पिए नहीं रह सकता, वैसे ही कथा सुनने वाला बिना कथा सुने नहीं रह सकता। ये तो मैं आपको अपनी कंट्री की बात बता रहा हूं, यहां आउट ऑफ कंट्री भी लोग बैठे हैं। रहने दो भी बोल दूं, हमारे शेखर जी, ही इज फ्रॉम यूएस कैलिफोर्निया, और वहां से आपने देखा होगा जब लाइव टेलीकास्ट हुआ था तो आप पे बड़ी जिम्मेदारी थी वहां के काम की है, बड़ा चकाचक संभाल रहे थे। और अकेले नहीं आए, देवी जी भी साथ हैं,
अब ये अमेरिका नहीं है बेटा जो यहाँ भी बगल में लेके बैठ जाओगे, दिस इज इंडिया, यहाँ थोड़ा चेंजेस होके बैठना, आपको यहाँ बैठना है, देवी जी इधर बैठेंगे, है ना, ये नियम मर्यादा क्या करे भाई, यहाँ थोड़ा करना पड़ता है, हैं? राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब एक बात बता देना चाहता हूं, कुछ बदकिस्मत अहमदाबाद से भी यहाँ नहीं आए और कुछ किस्मत वाले अलग अलग सिटियों से, अलग अलग शहरों से, अलग कंट्रियों से भी यहाँ आ गए। ये खुश नसीब हैं और बदकिस्मत हैं वो लोग जिनकी बाह मेरी राधा रानी ने अभी तक पकड़ी नहीं है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जब पाप होते हैं तो मन कथा में नहीं लगता, पार्वती सो गई और सुख ने पूरी कथा सुनी, लेकिन बाबा बोले इसने चोरी से कथा सुनी है, मैं इसका वध कर दूंगा, किसका, सुख का। और बाबा पीछे पीछे दौड़े सुख को मारने के लिए, सुख आगे आगे बाबा पीछे पीछे, और जितने भी आस्था चैनल ऑन करके बैठे ही नहीं यहां अहमदाबाद में, ये सब चोरी कर रहे हैं। अब मेरे हाथ में तो त्रिशूल नहीं है, जो आस्था ऑन करके बैठे वो सब चोर हैं अहमदाबाद में, जो दूर बैठे वो सब अच्छे भक्त है। आई चकाचक ऑन करके रखना आज 4 बजे तक और रात को 10 बजे से फिर ऑन कर लेना, आज तो मुझे भी देखने का मौका मिले, मैं खुद भी ऑन करूंगा 10 बजे रात को, टुडे 10 PM यही कथा आपको दोबारा सुनने को मिलेगी 10 बजे से। अभी 4 बजे तक ऑन करके रखो, फिर 10 बजे से ऑन करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन आपसे निवेदन है, आप सभी से निवेदन है जो अहमदाबाद में और आसपास में, आप अगर यहाँ आने की क्षमता रखते हो और अगर आस्था पे कथा सुन रहे हो इस समय, तो आप कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हो। यही चोरी करने की सजा बाबा भोलेनाथ, तूने चोरी से कथा सुनी, चल मैं तुझे मार दूं। वो दौड़े बाबा उन्हें मारने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं ये अपराध है। और यहां भी कोई बगल में आकर बैठते, बगल में नहीं, व्यासपीठ के सामने बैठना चाहिए। अगर आपको कथा सुननी है तो जस्ट फ्रंट ऑफ व्यासपीठ, व्यासपीठ के सामने। क्यों? यहां बैठकर जब आप कथा सुनते हो तो जो व्यास पीठ है, भागवत पुराण यहां विराजमान है, यह आपको अपनी कृपा बरसाता रहता है, अविवर्षण होता रहता है। जैसे बारिश होती है तो बूंदे हमारे गिरती है ना हमारे तन पे, वैसे ही भागवत के सामने जब आप बैठते हो तो इसकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। ऐसे ही तो व्यासपीठ के सामने बैठ के कथा सुनना चाहिए, और आप सब जैसे बैठे हो सब सामने है। बाबा भोलेनाथ से प्राण बचाने के लिए सुख दौड़े और गर्भस्थ हो गए। वेद व्यास जी की पत्नी जो वहां पर उनको दर्शन हुआ, व्यास जी के पत्नी के मुख के द्वारा गर्भस्थान में प्रवेश कर गए और वहां पर 12 साल सुखदेव मुनि वहां विराजमान रहे। 12 साल तक बाबा भोलेनाथ भी डटे रहे कि तू जब आएगा ना तुझे मार के जाऊंगा। बोले आप बैठे रहो, मैं भी नहीं आऊंगा, जब तक आप बैठे रहोगे मैं आऊंगा ही नहीं। अच्छा, बोले हाँ नहीं आऊंगा, और आए नहीं। 12 साल हो गए, 12 साल बाद भोलेनाथ की स्तुति की वेद व्यास जी महाराज ने, प्रभु कृपा करो, आप भक्त भगवान की लड़ाई में मेरी पत्नी कष्ट पा रही है। 9 महीने में कितना कष्ट पा लेती हैं स्त्रियां जो गर्भ धारण करती, 9 महीने में भी उनका जब शिशु जन्म लेता है तो पुनर्जन्म होता, वैरागी होगा, भगवान का भक्त होगा। बाबा भोलेनाथ गए, और वैसे भी बाबा भोलेनाथ तो करुणा के अवतार हैं, करुणा अवतार है ना मेरे प्रभु, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। करुणा के अवतार हैं बाबा भोलेनाथ, इसलिए बाबा करुणा करके चले गए। अब व्यास जी बोले अब तो आ जाओ, बोले नहीं आऊंगा। अब क्यों नहीं आओगे? बोले जैसे ही मैं आऊंगा ये माया पकड़ लेगी मुझे, क्या होगा? बोले ये माया पकड़ लेगी,
जो यहां पर नहीं आए कथा सुनने, उनको किसने पकड़ रखा है? जोर से बोलो। और आप क्यों आ गए यहां? आपको माया ने थोड़ा पकड़ ढीली कर दिया है, सच्ची बोल रहा हूं मैं, थोड़ा ढीला किया है। जाओ, माधव ने उस माया को इशारा किया, इनकी पकड़ थोड़ा ढीला कर दो, इन्हें जाने दो। और जब माधव ने इशारा किया तो आपको इजाजत मिल गई और आप यहां आकर बैठ गए। और जिनके ऊपर माया हावी है, माया का कंट्रोल है पूरा, वो यहां क्यों नहीं आए? क्योंकि माया उन्हें आने नहीं देती थी। और ऐसे नहीं, जन्म से ही लग जाती है माया पीछे, जन्म से छोड़ो, कोख से ही लग जाती है। जैसे ही माता राम गुड न्यूज देती हैं, रिश्ते बनना शुरू हो जाता है। हां या ना? देवी जी सबसे पहले गुड न्यूज अपने देवता को देती हैं, आजकल की मॉडर्न, पहले अपनी सासू माँ को देती थी, अब थोड़ा मॉडर्न टाइम हो गया, चेंज हो गई है न्यूज देने की प्रतिक्रिया। हाँ यन्ना, हाँ, अब सबसे पहले ए जी, अब आप पापा बनने वाले हो, बन जान दया पापा, देखेंगे का करे कोई पापा। प्यारे पापा को बचा लो। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पापा ही कहता है, मैंने कौन से पाप किए थे जो तेरे जैसा पुत्र मिला, इसको क्यों पूछता है? पापा सही है ना? कौन है बोलो ही नहीं, अच्छा लग रहा है, बोलो ना पापा। जैसे ही गर्भ में शिशु आता है, रिश्ते बनना शुरू हो जाता है। कोई कहता है मैं पापा बन गया, कोई कहता है मेरा नाती आने वाला है, कोई कहता है मेरा देवता आने वाला है, कोई कहता है मेरा भांजा आने वाला है, कोई कहता है मैं भुआ बन गई। क्या बन गई? सबसे ज्यादा खुशी पापा के बाद किसी को होती है तो भुआ को। किसको? क्यों? क्यों बोलो ना प्लीज। अच्छा, भुआ ही बताएंगी, जो जो भुआ बन गई बताओ क्यों होती है खुशी। झुमकी दे देना, हार दे देना, है ना, कुछ तो मिलेगा। बच्चा हुआ नहीं उससे पहले उम्मीद हो गई, बेटा आया नहीं उससे पहले उम्मीद पाल ली, यही माया है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जमाने का दस्तूर है प्यारे, जमाने का दस्तूर है प्यारे, तुम्हें जाना पड़े, नियम है बनाया हरि ने, वो निभाना पड़ेगा। जो नियम बना दिया उसने वो निभाना है। और नियम क्या है? आया है सो जाएगा राजा रंग, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात करनी कर चलो। अभी देखो एक बात बताऊं, कथाओं को हम लोग बड़ा इजी लेते हैं, ये इजी लेने का विषय नहीं है।
ये कथाएं मुझे बदल सकती हैं, ये कथाएं मेरा परिणाम बदल सकती है, ये कथा मेरा जीवन मेरा चरित्र बदल सकती है। इतनी क्षमता है इन कथाओं में। हो कोई लेने वाला, कोई ले सके तो ले। मरने के बाद भगवान क्या बनाएगा तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कर्म अच्छा है तो जन्म ही नहीं हो, तब आएगी तेरे चेहरे पर, तेरे लबों पर मुस्कुराहट। एक बात, जन्म लिया रोते हुए, जीवन जिया रोते हुए, और मरोगे भी रोते हुए। मरो मत रोते हुए, मरो मत रोते हुए। होठों पे हंसी हो जुबां पे तेरा नाम, होठों पे हंसी हो जुबां पे तेरा नाम, अंतिम समय यही हो हे श्याम मेरा अंजाम, अंतिम समय यही हो हे श्याम मेरा अंजाम। क्या अंजाम होना चाहिए बोलो? होठों पे स्माइल, अधरों पे स्माइल, जुबान पे नाम, और अगर हृदय में प्रभु आ जाए तो क्या बात है। ये समझ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन तू ही है। नॉट बिल ग्रेट्स, यू आर। बिल ग्रेट्स रिच मैन नहीं रहेगा तब, तुम हो जाओगे। कब? जब तुम ऐसी मृत्यु को प्राप्त होगे। और ये मृत्यु कब? जब तुम इस प्रयास में हमेशा लगोगे। तो मेरे प्यारे हो, सुख ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले ये माया मुझे पकड़ लेगी।